Today our topic is types of pharmacies. There are different types of pharmacies. There are different specialties. Number one is hospital pharmacy, clinical pharmacy, retail और community pharmacy. Industrial pharmacy है हमारे पास, forensic है. यहाँ तक तो सारी बुक में explain की हुई है. Further जो नहीं explain की हुई वो है, number one is compounding pharmacy. Compounding pharmacy में ये होता है कि एक particular pharmaceutical product जो है वो हमें बनानी होती है, जो कि मार्केट में एज इट इज़ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेशेंट हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहीं पर कंपाउंड करनी पड़ती है. कंपाउंडिंग का मीनिंग होता है कि कंबाइन करना दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को, और वो हमें एक पेशेंट को दे देनी होती है. डॉक्टर्स जो हैं एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसके अंदर वो कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन पे जो जो ड्रग्स जो जो ज़रूरत होती है किसी भी पेशेंट को, वो सारी वहाँ पर नीड लिख देते हैं. ठीक है, उसके बाद पेशेंट जाता है कंपाउंडिंग फार्मेसी पे, वहाँ पर जाकर वो उसे प्रिस्क्रिप्शन देता है और फार्मासिस्ट वहाँ पर उसको कंपाउंड करके उसी टाइम वो जो है कंपाउंडिंग मेडिसिन उसे दे देता है. इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग फार्मेसी. नेक्स्ट हमारे पास है मिलिट्री फार्मेसी. मिलिट्री फार्मेसी क्या होती है, ये भी सेम वैसी होती है जिसके अंदर कंपाउंड करते हैं हम फार्मासिस्ट मेडिकेशंस को, फिल करते हैं प्रिस्क्रिप्शंस को, डिस्पेंस करते हैं, लेकिन ये एक खास होती है, ये जस्ट फॉर मिलिट्री के लिए होती है. सिविलियंस और जो है वहाँ पर आर्मी के लोग, उनके लिए मिलिट्री फार्मेसी बनाई जाती है. नेक्स्ट हमारे पास वेटरनरी फार्मेसी. वेटरनरी फार्मेसी ये भी वैसी ही है फार्मेसी जैसे कि हम कंपाउंड करते हैं इसके अंदर मेडिकेशंस को, फिल करते हैं प्रेस्क्रिप्शंस को, ड्रग थेरेपीज, लेकिन ये फॉर ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं होती, ये स्पेशली होती है फॉर एनिमल्स, इसलिए हम इसे कहते हैं ये वेटरनरी फार्मेसी है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑनलाइन फार्मेसी. ऑनलाइन फार्मेसी में क्या होता है कि हम इंटरनेट फार्मेसी यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं हम मेल ऑर्डर फार्मेसी है, इनके हम मेल के थ्रू ऑर्डर दे सकते हैं, हम सेंड करते हैं ऑर्डर्स इसके ज़रिए कस्टमर्स को, और फिर मेल के ज़रिए जो भी हमारे पास शिपिंग जो होती है शिपिंग के लिए कि हमें एक जगह दूसरी जगह भिजवाना है ये माल वगैरह ये मेडिसिन वगैरह, तो हम ऑनलाइन फार्मेसी के थ्रू कर सकते हैं. अगर हम वहाँ पर खुद नहीं जा सकते तो हम ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हैं, वो हमारे घर आ जाता है ऑर्डर, तो ये एक ऑनलाइन फार्मेसी है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप की जाती हैं, इसके अंदर जितने भी सेल्स प्रोग्राम्स होते हैं वो आते हैं, कस्टमर के साथ जो है रिलेशंस वो आते हैं, हमने ऐसा मेडिकल रैप की सूरत में हमने एजुकेट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, हमने अपनी मेडिसिन के बारे में बताना होता है कि इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो हमने सारे के सारे जो है मार्केटिंग करनी है, वो सारा का सारा इसमें आता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में. लास्ट हमारे पास आती है एक टाइप न्यूक्लियर फार्मेसी. न्यूक्लियर फार्मेसी में आ जाती है रेडियो फार्मेसी भी हम इसे कहते हैं, और ये इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज़ करते हैं. इसके अंदर एक यूनिक जो है इसकी यूनिकनेस, क्यों हम इसको न्यूक्लियर फार्मेसी कहते हैं, क्योंकि हम लोग ड्रग्स को जो है वो यूज़ करते हैं विद रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के साथ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं न्यूक्लियर फार्मेसी. ये सारी की सारी जितनी भी थी, कंपाउंडिंग फार्मेसी, मिलिट्री फार्मेसी, वेटरनरी फार्मेसी, ऑनलाइन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एंड न्यूक्लियर फार्मेसी आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं थी, बाकी सारी की सारी एक्सप्लेन है, वो हम फर्दर वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नंबर वन है हॉस्पिटल फार्मेसी. हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एक आउटडोर फार्मेसी होती है या फिर इंडोर फार्मेसी होती है. आउटडोर वाले आते हैं वहाँ से मेडिसिन लेते हैं और चले जाते हैं, इंडोर वो होते हैं जो कि वहाँ पर ऑलरेडी एडमिटेड होते हैं और वो वहाँ से मेडिसिन लेकर यूज़ करते हैं. इज़ आ डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट है और सर्विस है इन आ हॉस्पिटल में, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिकेशंस. ये एक डिपार्टमेंट भी है और एक सर्विस भी है हॉस्पिटल के अंदर ही. ठीक है, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि ये सप्लाई कर सके मेडिकेशंस को टू हॉस्पिटल वार्ड. हॉस्पिटल में डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, लाइक कार्डियोलॉजी वार्ड है, यूरोलॉजी वार्ड है, इस तरह वो उसने जो है इनडोर फार्मेसी, उसने हॉस्पिटल फार्मेसी ने इन वार्ड्स में भी मेडिकेशन सप्लाई करनी होती है. इसके साथ साथ उसने सप्लाई करनी होती है एम्बुलेटरी पेशेंट्स को. अब एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं, ये आउट पेशेंट्स होते हैं, इनकी डायग्नोसिस करते हैं हम, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं इनका, लेकिन इनके लिए एक एडवांस मेडिकल प्रोसीजर जो है टेक्निक वो यूज़ की जाती है. ये लोग
एडमिट तो नहीं होते, लेकिन आके चेकअप करवाते हैं अपना। चेकअप करवाने के बाद ये लोग घर चले जाते हैं, लेकिन इनके एक एडवांस टेक्नोलॉजी से हम लोग इनका जो है ना ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, इनको भी हम इतनी देर एडमिट नहीं कर सकते। डर्माटोलॉजी सर्विसेज हैं स्किन से रिलेटेड, वो भी आते हैं पेशेंट्स और चले जाते हैं। एंड देन डेंटल सर्विसेज, डेंटल सर्विसेज के लिए भी वो आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं और चले जाते हैं। इनको हम कहते हैं ये एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं। और फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। और जो भी फार्मासिस्ट काम कर रहा है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, उसको हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब उसके क्या है एम्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट के, तो हम ये पढ़ेंगे आज। नंबर वन है, उसको प्रोवाइड करनी है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है कि जो मेडिसिन वो सप्लाई कर रहा है वार्ड्स के अंदर या फिर अपने पेशेंट्स को, वो उसकी क्वालिटी क्या हो, ओके हो। वो क्वालिटी एश्योरेंस हो मींस कि उसमें कोई ऐसा शको शुबा ना हो कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, पेशेंट खाएगा तो उसको वो बीमार हो जाएगा या उसे कोई और मसला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास परचेज एंड सप्लाई ड्रग्स। उसने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने परचेज करनी है मेडिसिन को फ्रॉम मेडिकल लैब से, कंपनी से, और उसे सप्लाई कर देनी है। किस किस को उसने सप्लाई करनी है ड्रग्स, इन पेशेंट्स को जो कि वहाँ पर एडमिट हैं, एंड आउट पेशेंट्स को जो कि वहाँ पर एडमिट नहीं होते, जस्ट चेकअप के लिए आते हैं, वहाँ से मेडिसिन लेकर चले जाते हैं, और हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ को जो वहाँ पर एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मेंटेन करना पेशेंट्स मेडिकेशन प्रोफाइल। अब पेशेंट की मेडिकेशन प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है, जो भी उसका पिछला हिस्ट्री है, उसके रिकॉर्ड्स हैं, वो अपने पास रखना ताकि वो दोबारा पेशेंट आए आपके पास सिस्टम में बिल्कुल वो सेव हो, ताकि आप वहाँ पर उसका पेशेंट नेम लिखे, उसकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पर आ जाए। मेंटेन करना प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स, प्रिस्क्रिप्शन के जो उसके रिकॉर्ड हैं प्रीवियस, वो भी मेंटेन करना, ताकि डॉक्टर जब अगली मेडिसिन लिखे तो पीछे वाला देख कर लिखे कि ये मेडिसिन पहले ले रहे थे, अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। प्रोवाइड करना ड्रग इन्फो, इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स, ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ड्रग्स के बारे में, और ड्रग थेरेपी टू डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड द हाउस स्टाफ। ठीक है, अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का यह काम है कि वो ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, ड्रग थेरेपी के बारे में बताए डॉक्टर्स को, नर्सेज को, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड द हाउस स्टाफ को। उसके पास कोई भी न्यू ब्रांड आया, कोई भी न्यू मेडिकेशन आई है, तो उसका ये काम है कि वो जाकर डॉक्टर्स को बताए कि ये इसके बेनिफिट्स हैं, इसके यूज़ करने से इसकी इतनी एफिकेसी है, ताकि वो जो है पुरानी मेडिसिन को छोड़ के इसको यूज़ करें जिसका अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना जितने भी ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं उनके साथ, ठीक है, जो भी उनको डिस्ट्रीब्यूटर जो है दे रहा है उनके साथ उसने कोऑर्डिनेट करना है। और जो भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जहाँ जहाँ पर ड्रग को डिलीवर करना है, लाइक वार्ड्स में, डिफरेंट वार्ड्स में कितनी कितनी मेडिसिन जानी चाहिए, और हॉस्पिटल फार्मेसी में कितनी, वो सब कुछ इसका काम है कि उसने कोऑर्डिनेट भी करना है उसको और कंट्रोल भी करना है। लास्ट पॉइंट इसकी जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आता है सुपरवाइज करना एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस। हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट क्या करता है, जो फार्मेसी टेक्नीशियन जो जो काम कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको सुपरविजन करता है, उसके हेड होता है वो, ठीक है, उसके अंडर फार्मेसी टेक्नीशियंस काम करते हैं। ये हमारे पास था टॉपिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीजेज। क्लिनिकल फार्मेसी में हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिन और ड्रग्स को, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीज। अब वो स्पेसिफिक डिजीज क्या हैं, लाइक रिकेट्स हैं, मीजल्स हैं, एड्स आ जाते हैं इसमें, गाउट का आ जाता है प्रॉब्लम, जितने भी स्पेसिफिक डिजीज के बारे में हम स्टडी करनी है वो सारे के सारे हम लोग क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ते हैं। और द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज़ नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। और जो भी इस स्पेशलिटी में काम करता है उसको हम कहते हैं कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, वो है आगे डिटेल में। नंबर वन है मेडिकेशन रिव्यू इन कंपेरिजन विद डायग्नोजिस। डायग्नोसिस क्या होता है कि जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे डायग्नोसिस लिखता है कि जांच पड़ताल करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक
ठीक है, उसने तो लिख दी, उसने मेडिकेशन भी लिख दी। अब वो बंदा फार्मेसी पे गया अपनी मेडिकेशन लेने, ठीक है। अब वहाँ फार्मेसी का काम क्या है कि जो उसने मेडिसिन, उसने डायग्नोसिस ऊपर लिखा हुआ है कि इसको क्या है, एड्स है, एचआईवी है, हेपेटाइटिस है, तो उसने उस मेडिकेशन को रिव्यू करना है कि जो डायग्नोसिस उसने लिखी है उसके अकॉर्डिंग है भी कि नहीं, ठीक है। तो वो ये सब कुछ देखेगा। तो फार्मासिस्ट का काम है कि जब वो डायग्नोसिस पढ़े ऊपर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है मेडिकेशन रिव्यू भी देखे कि जो उसने डायग्नोसिस देखी है उसके अकॉर्डिंग भी है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन। ड्रग इंटरेक्ट करना क्या होता है? इंटरेक्शन होता है कि दो या ज़्यादा चीज़ों का मिल जाना, ठीक है। दो या ज़्यादा चीज़ें मिलकर जाए तो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी या बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, तो ड्रग इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ड्रग इंटरेक्शन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, एनाल्जेसिक ड्रग क्लास है हमारे पास एनाल्जेसिक, जिसके अंदर आ जाती है एसिट अमाइनोफेन, ठीक है। फूड जो इंटरेक्ट करता है, जो इसके साथ जाकर जो है इंटरेक्ट करेगा, मिलेगा, वो कौन सा है? अल्कोहल जो है वो इसके साथ जाकर मसला करता है। एसिड अमाइनोफिन के साथ अल्कोहल भी ले रहे हैं तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा? इंक्रीज कर देगा रिस्क ऑफ लीवर टॉक्सिसिटी, लीवर के अंदर जो टॉक्सिसिटी है उसके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हमने ये बचाना हो कि ये टॉक्सिसिटी ना हो लीवर की, तो क्या करना चाहिए? तो हमें उसमें अवॉइड करनी चाहिए अल्कोहल, तो हमें एसिड अमाइनोफिन के साथ कभी भी अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेक्शन आ जाता है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक में नंबर वन हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन्स में जो फूड इंटरेक्ट करता है वो कौन सा है? इसमें आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और आयरन सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। अगर हम टेट्रासाइक्लिन्स को डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ लें या आयरन सप्लीमेंट्स के साथ लें तो इफेक्ट क्या आएगा हमारे पर? हमारे पास ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज हो जाएगी। टेट्रासाइक्लिन को अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ लेते हैं तो चिलेट फॉर्मेशन बनाते हैं, जो उसका इफेक्ट आना चाहिए हमारी बॉडी पे वो नहीं आता, तो उसकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो उसने एब्जॉर्ब होना है हमारी बॉडी में वो ही क्या हो जाता है, टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज ना हो, जितना हमें इफेक्ट चाहिए उतना ही मिले। तो इसके लिए हमें करना है डू नॉट टेक विद मिल्क, हमें उस मेडिसिन को मिल्क के साथ नहीं लेना। टेक 1 और 1 घंटा पहले और 2 घंटे बाद आफ्टर फूड जो मिल्क ले लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अमोक्सिसिलिन है, पेनिसिलिन, जिथ्रोमैक्स है एंड एरिथ्रोमाइसिन है। अब इसका क्या है? इसका भी इंट्रैक्शन फूड के साथ है, ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज़ कर देगी, इसको भी 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद खाने के लेना चाहिए। न्यूट्रोफ्यूरंटाइन है, मैक्रोबिड है, ये फूड के साथ इंटरेक्ट करती है, डिक्रीज कर देती है स्लोस कर देती है ड्रग एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। टेक विद फूड और मिल्क, इसको अगर हम इसको फूड के साथ लेते हैं तो इंटरेक्ट करेगी हमारे जो है एफिकेसी को, हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन को, GIT डिस्ट्रेस जो है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस है उसको कम कर देगी, ड्रग एब्जॉर्प्शन स्लो कर देगी। तो इसको हमें लेना चाहिए टेक विद फूड और मिल्क, जबकि पहले दो जो है इनको जो है हमने फूड के साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। इनको हमने या तो पहले लेना है या बाद में, लेकिन जो लास्ट वाली है इसको हमने टेक विद फूड और मिल्क लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको फूड के साथ लेते हैं तो डिक्रीज कर देती है जीआई डिस्ट्रेस और स्लो कर देती है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग। अब ADRs में क्या होता है कि हर मेडिसिन का अपना अपना एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके अंदर आ जाता है कि कभी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमें जो है गैस्ट्राइटिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं। तो हर एक ड्रग का अपना अपना क्या है, एक एडवर्स इफेक्ट है। तो उस पूरे जो है एक प्रोफाइल होती है ड्रग की, जिसको हम कहते हैं ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, इसको हम ADRs भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फार्माको इकोनॉमिक्स स्टडी, जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। इसके अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं द वैल्यू ऑफ वन ड्रग थेरेपी टू अनदर, कि जो एक ड्रग जो है उसकी थेरेपी पे कितनी कॉस्ट आती है, कि एक हमें उसको ट्रीट करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हम इवेल्यूएट कर सकें द कॉस्ट ऑफ द ड्रग। फार्माको इकोनॉमिक स्टडी से हम लोग वो जो ड्रग की जो कॉस्ट, जो हमने एक नई ड्रग बनाई है उसकी जो कीमत है वो हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं कितनी होनी चाहिए। तो उस स्टडी को हम कहते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स स्टडी।
लास्ट पॉइंट है हमारे पास ड्रग फॉर्मूलरी का। ड्रग फॉर्मूलरी एक लिमिटेड सी जो है ना हमारे पास ड्रग लिस्ट होती है, जिसके अंदर बहुत जेनेरिक भी हम जो है यूज़ करते हैं और ब्रांड नेम भी यूज़ करते हैं। और ये जो लिस्ट होती है जेनेरिक एंड ब्रांड नेम की, ये सिलेक्ट करते हैं डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स करते हैं, नर्सेस करती हैं, और हमारे पास आगे जो फार्मासिस्ट होते हैं वो इस लिस्ट को प्रेफर करते हैं, इस लिस्ट को बनाते हैं, ताकि जो प्रैक्टिशनर्स हैं जब भी वो हॉस्पिटल में आता है कोई भी पेशेंट, तो सिर्फ उस लिस्ट में से उठा के वो मेडिसिन लिखे, और जो उस जो है लिस्ट में जो मेडिसिन हम लोग जो है करते हैं सेलेक्ट करते हैं, उसकी ग्रेटेस्ट ओवरऑल वैल्यू होती है कि बहुत अच्छी होती है, कि उसके अलावा हम जो है कोई मेडिसिन यूज़ करें तो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो उस लिस्ट में लिमिटेड मेडिसिन जो है सेलेक्ट की जाती हैं, और बहुत अच्छी जो है ग्रेटेस्ट ओवरऑल वैल्यू हो, जिसकी एफिकेसी अच्छी हो, जिसको खाने से जल्दी आराम आ जाए, वो वाली सेलेक्ट की जाती हैं।